हेलो नमस्कार सभी दर्शकों का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक यू एंड शो माय ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरीबडी हु इज लाइव एंड हु इज वाचिंग द प्रोग्राम. अपा माय नेम इज शेफ विकास सिंह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक ICF इंडियन कलिनरी फोरम. उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इंडियन कलिनरी फोरम एक प्लेटफॉर्म है सारे शेफ्स का, और जो भी किचन में इंटरेस्टेड है, क्विजीन में इंटरेस्टेड है, तो एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म देता है जहां अपनी हम कला का, अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, सारे शेफ्स स्टूडेंट्स या अदरवाइज जो किचन में इंटरेस्टेड है वो भी इससे अटैच हो सकते हैं, है ना. सो गो टू द पेज, उनके वेबसाइट पर जाइए, कलिनरी फोरम, इंडियन कलिनरी फोरम याद रखिएगा, और उसका मेंबर बनिए. सो समय समय पे आपको जितने भी इवेंट्स होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इतने सारे हम करते रहते हैं. अभी भी इन टफ टाइम्स ऑल्सो कोविड, ICF इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, राइट. वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स टुगेदर. आज भी हम लाइव कुकिंग करेंगे एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू थैंक शेफ विनोद भट्टी, हु एज अ गाइड एंड अ मेंटर, ऑलवेज गाइड मी व्हेन एवर आई हैव अ इशू एंड अ प्रॉब्लम. He always guides me and has given me the opportunity. Uske baad, I would like to thank Cremica, who has powered this show. Right? So, you can see the ingredients jo Cremica banate hain apne saath. Lot of ingredients they are having, right? Agar aap dekhenge, yahan humare paas kuch ranch dressing hai, Thai dressing hai, Thousand Island dressing hai, pizza, pasta hai. Then, yahan pe humare paas Russian dressing. So, convenient food mein aata hai ye. Lot of convenient food they are having. अभी time नहीं है किसी के पास. People are very busy. They cannot make a thousand island dressing, but उनको taste करना है. So what we can, it is a trusted brand, Cremica. You can have it ready made, है ना? आपके time बचेगा, आपके resources बचेंगे, and very very hygienically made. बहुत hygiene standards से बनाते हैं, है ना? जिसमें it's very safe nowadays. खासकर जब COVID-19 has affected everybody, so we should trust the brand. Cremica and go for it. काफी हम यूज भी करेंगे तो अगेन आई विल स्पीक अबाउट इट अगेन एंड अगेन, राइट. सो वंस अगेन माय नेम इज विकास सिंह एंड आई एम अ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोग्राम चेयर. आई एम अ शेफ इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. वी आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग, वी आर शेफ ट्रेनर एंड वी आर मेकिंग लॉट ऑफ बडिंग प्रोफेशनल जो आके जाके शेफ बनेंगे, है ना. सो वी आर ट्रेनिंग देम एंड टीचिंग देम, ऑलराइट. सो टुडे आज हम क्या बनाने वाले, आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्कीवर्स. एंड वेजिटेरियंस के लिए वी विल बी मेकिंग सम पनीर, बिकॉज वो नाराज ना हो जाए वेजिटेरियंस. सो व्हाट आई हैव डन, आई एम आल्सो मेकिंग सम पनीर स्कीवर्स. ऑलराइट, सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या हमें चाहिए बनाने के लिए. ओके, सो व्हाट वी रिक्वायर इज नॉट मच इंग्रीडियंट्स. हमने ज्यादा इंग्रीडियंट्स नहीं, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है इसको. अगर आप देखेंगे इंग्रीडियंट्स बहुत कम लिया हमने, क्योंकि अभी इंग्रीडियंट्स ज्यादा मिल भी नहीं रहे हैं. सो वी हैव लिमिटेड द इंग्रीडियंट्स, लेस ऑफ इंग्रीडियंट्स बट टेस्टी फूड एंड हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड विल मेक. ऑलराइट, सो द इंग्रीडियंट्स आर हमारे पास कुछ डाइसेस में कटे हुए चिकन हमने लिया है, बोनलेस ब्रेस्ट या बोनलेस थाई आप ले सकते हैं. ऑलराइट, वी हैव सम कॉटेज चीज पनीर, आप घर में भी बना सकते हैं या मार्केट में अवेलेबल है, डाइसेस काट लीजिए. हमारे पास योगर्ट है, दही, नॉर्मल दही. हमारे पास थोड़ा सा कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम अगर मिल जाए, वेल एंड गुड. मुझे नहीं मिला येलो कैप्सिकम. हमारे पास कैप्सिकम है, थोड़ा सा पाइनएप्पल है, अनियन डाइसेस है, चॉप्ड गार्लिक है, दिस इज कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, एंड यहाँ पे हमारे पास है जीरा पाउडर, थोड़ा सा चॉप्ड मिंट एंड कोरिएंडर हमने रखा है, दैट विल फ्लेवर द डिश. ऑफ कोर्स द सीजनिंग, द फ्लेवर एनहांसर, द सॉल्ट है हमारे पास, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस. अगर आप कैंड पाइनएप्पल ले रहे हैं, वेल एंड गुड. अगर आप नहीं ले रहे हैं तो नॉर्मल पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल भी आप ले सकते हैं. ऑलराइट, सो कैन वी स्टार्ट, इज इट ऑलराइट. सो दैट्स द डिश. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ मैरिनेट. नो, व्हाट इज अ मैरिनेट? मैरिनेट होता है जब आप जो एक डिश को फ्लेवर देता है, मैरिनेट, राइट. सो वी नीड टू मैरिनेट द डिश फॉर सम टाइम, ताकि फ्लेवर उसके अंदर तक चले जाए, सॉल्ट उसके अंदर तक चले जाए, राइट. एंड दैट विल मेक द फूड वेरी वेरी जूसी एंड टेस्टी. ऑलराइट, सो सबसे पहला काम क्या है, हमें मैरिनेट बनाना है.
सो वी हैव सम योगर्ट, हमने थोड़ा योगर्ट लिया हुआ है एंड वी विल एड द अदर इंग्रेडिएंट्स, राइट। सो हमने क्या डाला इसमें, वी हैव सम कोरिएंडर पाउडर, ऑलराइट, सम जीरा पाउडर, सम रेड चिली पाउडर, ऑलराइट, एंड देन वी विल एड दिस मिंट, और हमने जो कोरिएंडर काट के रखा है फ्रेश कोरिएंडर एंड मिंट वो भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा गार्लिक मैंने ऐड किया, अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ गार्लिक डाला है, राइट। सो इफ यू वॉन्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट यू कैन ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट एज वेल, इज इट ऑलराइट। देन हमारे पास सॉल्ट, सॉल्ट भूलिएगा नहीं, सॉल्ट जरूर डालिएगा बिकॉज कई बार हम मिस कर जाते हैं सॉल्ट को, एंड सॉल्ट इज द फ्लेवर इनहांसर। हमारे पास कुछ पाइनएप्पल जूस हमने रखा है यहां पे, पाइनएप्पल जूस, राइट। सो पाइनएप्पल जूस हमने डाल दिया इसमें, नाउ वी कैन मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, ऑलराइट। सो हमारे पास विस्क है, विस्क से आप मिक्स कर लीजिए इसको अच्छे से, सो दैट देयर इज लम्प्स नहीं रहे, स्मूथ हो जाए थोड़ा सा एंड फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाए, सब में मिक्स हो जाए आपस में। इफ यू वॉन्ट यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो कि सीजनिंग इसकी ठीक है कैसी है, इफ यू वॉन्ट मोर चिलीज इन साइड यू कैन एड मोर चिलीज, राइट। अगर आपको ज्यादा चिलीज चाहिए देन यू कैन एड मोर चिलीज, आपको थोड़ा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर ज्यादा चाहिए तो पाइनएप्पल जूस डाल दीजिएगा, राइट। सो अकॉर्डिंगली इफ यू वॉन्ट मोर मिंट, सो देर इज यू नो रेसिपी इज जस्ट द गाइडलाइन, देर इज नो थम्स रूल कि ऐसा ही होना चाहिए, इट इज अ गाइडलाइन। एंड आप जब खाना बनाते हैं तो यू कैन चेंज द रेसिपी, यू कैन मॉडिफाई द रेसिपी हियर एंड देयर, आप उसको कर लीजिएगा, ऑलराइट। थोड़ा सा इसमें हम फ्लेवर और ऐड करेंगे, हमारे पास थोड़ा यहां पे है क्रेमिका का बनाया हुआ थाई स्वीट चिली सॉस, राइट। सो इट इज रेडीमेड, नहीं तो इसको बड़ा मुशक्कत करनी पड़ती है किचन में, जब हम बनाते हैं चिली सॉस या गार्लिक चिली सॉस या थाई चिली सॉस बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है, बट ये रेडीमेड आपके पास आ रहा है सो इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा हम थाई चिली, थोड़ा सा स्पाइसी, इसमें थोड़ा गार्लिक भी है थोड़ा चिली भी है, राइट। सो वी विल एड लिटिल बिट ऑफ, इससे जो स्वाद आएगा खाने में दैट जब आप बनाएंगे खुद, वाओ दैट लुक्स वंडरफुल, ऑलराइट। सो द मैरिनेट इज रेडी, व्हाट नाउ वी कैन डू इज वी कैन मैरिनेट द चिकन, हमारे पास चिकन है यहां पे, चिकन को हम इसमें मैरिनेट कर देंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, पनीर के लिए थोड़ा सा मैरिनेट हम यहां से सेपरेट कर लेंगे, पनीर के लिए हम थोड़ा सा मैरिनेट यहां से निकाल के सेपरेट कर लिया है, राइट। सो दैट वी कैन मिक्स द पनीर जो हमारे पास है, हमारे वेजिटेरियन दर्शकगण जो देख रहे हैं राइट उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए लास्ट में हमने क्या किया, पनीर, पनीर वॉज नॉट इन द रेसिपी, मेन्यू में था नहीं, बट वी हैव एडेड पनीर शाश्लिक ऑल्सो, पनीर स्कीवर्सन, सो दैट एवरीबडी कैन एंजॉय, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो एवरीबडी शुड एंजॉय द फूड, राइट। सो हमारे पास दोनों मैरिनेट हो गया है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन के लिए। हमारे पास थोड़ा सा चिकन यहाँ पे है, हाँ चिकन हमने यहां रख दिया था, सो चिकन को हमने यहां पे डाल दिया मैरिनेट में, ऑलराइट। आप देख सकते हैं टेक्निकली इसको ओवरनाइट अगर आप सोक करके रखे तो अच्छी बात है, और अगर फिर भी टाइम कम है तो 2 घंटे रखिए, 1.5 घंटे रखिए, तो ताकि फ्लेवर जो है हमारे जो मैरिनेट का फ्लेवर है अंदर तक चले जाए। तो कोई भी डिश हम बना रहे हैं मैरिनेशन का बहुत ही एक रोल है, आप देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में, एंड द फ्लेवर विल इन्फ्यूज इनसाइड, राइट। सेम थिंग आई विल डू विद द, और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, फिलहाल हमें बनाना है तो मैं फ्रिज में नहीं रख रहा हूं, बट अगर आप ओवरनाइट सोक करें तो इसको कवर करके क्लिंग रैप से इसको फ्रिज में रखेंगे, ऑलराइट।
नाउ पनीर है हमारे पास, तो पनीर भी सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, वी विल मैरिनेट द पनीर. मेक श्योर जो इसकी मॉइस्चर है वो मैरिनेट में नहीं जाए, उससे क्या होगा मैरिनेट बहुत पतला हो जाएगा आपका, इट विल नॉट कोट इट ऑन, सो उससे डाइल्यूशन हो जाएगा थोड़ा सा. सो वी विल नॉट ऐड द मॉइस्चर पार्ट, ओनली द पनीर वी आर एडिंग. ऑलराइट, ये हो गया. अगेन वी विल मैरिनेट, इसको भी हमने कोट करके रख दिया है नाइसली, इसको भी कुछ समय, सेम प्रोसेस इसको भी रखेंगे हम. ये हमारा रेडी हो गया है चिकन एंड पनीर. सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट हम यहां से हटा देंगे जो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल, लेटर ऑन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड वी विल अगेन टेक इट फर्दर. फिलहाल मैंने यहां से थोड़ा सा ये खाली कर दिया एरिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू स्क्यूअर इट, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, चिकन स्कीवर, वी आर मेकिंग चिकन स्कीवर, पनीर स्कीवर, कई जगह इसको हम साते भी बोलते हैं. सो हमारे पास ये आ गया ऐसे. नाउ व्हाट वी विल डू, बहुत आसान है इसको, ये साते स्टिक आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा ना, इसको आप ले सकते हैं, और जब भी आपको मन हो कोई ग्रिल्ड आइटम खाने का देन यू कैन यूज इट. सो वी विल जस्ट स्कीवर इट लाइक्सली. ऑलराइट, फिर एक हम हरा लगा देंगे साथ में, एक लाल एक हरा, फिर एक चिकन का इसमें डालेंगे. सो इस तरह से हम इसको मैरिनेट, फिर एक पाइनएप्पल डालेंगे. अच्छा, पाइनएप्पल इज अ वंडरफुल फ्रूट, राइट? पाइनएप्पल की बहुत सारी कहानी है, पाइनएप्पल एक हॉस्पिटैलिटी की निशानी है, राइट? पाइनएप्पल जब हम पुराने जमाने में, क्या पाइनएप्पल रेयर होता था, बहुत आसानी से मिलता नहीं था, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पाइनएप्पल पे क्राउन भी है, तो इसको एक रेस्पेक्ट, एक हॉस्पिटैलिटी का एक प्रतीक माना जाता है. और जब भी कोई गेस्ट आते थे पहले जमाने में, उसको पाइनएप्पल दिया जाता था खाने के लिए, पाइनएप्पल. इसलिए पाइनएप्पल एक हॉस्पिटैलिटी का, पुराने समय से ही एक हॉस्पिटैलिटी का चिन्ह है, एक प्रतीक है. एंड बहुत ही प्यारा, इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, देख रहे हाउ इट लुक्स, हाउ कलरफुल एंड हाउ न्यूट्रिशियस, बच्चे बूढ़े सबके लिए, जवान के लिए, इट्स वेरी वेरी न्यूट्रिशियस डिश, सब खा सकते हैं इसको, राइट? एक और मैं बनाऊंगा एंड रेस्ट, बिकॉज समय की थोड़ी सी पाबंदी है. सो आई विल डिस्प्ले तो मैंने थोड़ा सा ग्लव्स पहन लिया है, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेन एवर यू आर टचिंग एनीथिंग दैट इज यू नो यू कैन वेयर ग्लव्स, सो यू शुड वेयर ग्लव्स जहां तक पॉसिबल है. एंड थम्स रूल ये कहता है कि एनीथिंग दैट इज रेडी टू ईट, थम्स रूल ये कहता है दैट इज एनीथिंग दैट इज रेडी टू ईट हैज टू बी, यू हैव टू हैंडल विद ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स आप हैंडल नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, दैट देयर विल बी क्रॉस कंटामिनेशन, दो जर्म्स आपके हाथ में है, जो भी जर्म्स है वो खाने में चले जाएंगे, राइट? तो इन सब चीजों का, खासकर जब आज कोविड है हमारे साथ, हमें हाइजीन का बहुत, वो कहते हैं ना बीसी, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, सो जो खाने की परिभाषा है, जो उसका रूप रंग है, वो सारा चेंज हो जाएगा पोस्ट कोविड. हाइजीन विल बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर आप देखेंगे पोस्ट कोविड. थैंक यू शेफ विकास शर्मा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. रेखा मैत्रे जी, थैंक यू सो मच. डॉक्टर बेथा रेखा, देन वी हैव नोमित जी, थैंक यू सो मच. अमोल सबले, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो. एक और बनाते हैं चिकन, उसके बाद हम पनीर बनाएंगे. नाउ इसको ये हम उसको स्कीवर कह रहे हैं ना, स्कीवर, कई जगह इसको शासलिक भी बोलते हैं,
कई जगह इसको ब्रशेस भी बोलते हैं, कई जगह इसको साते भी बोलते हैं। थोड़ा सा मैरिनेशन चेंज कर दीजिए, इसको सोया सॉस, थोड़ा सा चिली, थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे, देन इट बिकम्स अ साते, सो इट विल चेंज। लेकिन कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, राइट? चीज अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से बनी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, राइट? कुछ भी नाम से बुला लीजिए, इसको पनीर, इसको आप कबाब बना लीजिए, इसको आप स्कीवर बोल लीजिए, इसको साते बोल लीजिए, इसको शाश्लिक बोल लीजिए, इसको ब्रोशेट्स बोल लीजिए, राइट? देयर कैन बी डिफरेंट नेम्स, बट किसी महापुरुष ने कहा है नाम में क्या रखा है भाई साहब, चीज अच्छी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए और अबव ऑल हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी बहुत जरूरी है। सो बच्चे लोग जो देख रहे हैं, एवरीबॉडी शुड नॉट गो फॉर जंक फूड, राइट? हमने सारा इसका मिजनप्ला पहले कर लिया। मिजनप्ला मतलब होता है कटिंग वगैरह जो हम करते हैं शुरू में, इसको टेक्निकली फ्रेंच में मिजनप्ला बोलते हैं। सो मिजनप्ला हमने पहले कर लिया था टू जस्ट टू सेव सम टाइम। सो तीन स्टेप में खाना बनाया जाता है, राइट? एक तो होता है मिजनप्ला, कलेक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, देन मिजनप्ला प्रिपरेशन, उसके बाद फाइनल कुकिंग होता है। सो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूं वो इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद होता है मिजनप्ला प्री प्रिपरेशन, एंड उसके बाद हम रेंज में जाएंगे एंड वी विल डू द कुकिंग। इज ऑल राइट? नाउ वी विल डू द सेम थिंग विद द पनीर। वी विल डू द सेम थिंग विद द पनीर। इसको हम साइड रख लेते हैं ताकि आई विल गो अ बिट फास्ट, राइट? सो पनीर हमारे पास है। पनीर के नीचे एक हमने रेड कैप्सिकम डाला है, देन वी हैव एडेड द पनीर, फिर एक ग्रीन कलर डाला, देन वी हैव एडेड वन मोर पनीर। आई होप द वेजिटेरियंस विल बी हैप्पी नाउ बिकॉज पनीर इज देयर, बिकॉज आई गॉट अ कॉल यस्टरडे, लॉट मेनी कॉल्स कि भाई साहब आप चिकन क्यों बना रहे हो, हम तो चिकन खाते नहीं है। देन आई थॉट कि भाई साहब लेट्स गो फॉर पनीर ऑल्सो, वाई टू मेक एनी बडी अपसेट, यू नो? सो दैट्स वाई अगेन दिस इज द पनीर स्कीवर, पनीर शाश्लिक, पनीर ब्रोशेट्स, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछते रहिए, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। कृष्णा बनर्जी जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, रजनीश यादव थैंक यू सो मच, प्रभात मंडल थैंक यू, श्रींजय थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर वॉच। मीनवाइल तीन तीन तीनों को बनाएंगे, झटपट बनने वाली डिश है, कोई भी गेस्ट आए। और सबसे खास बात डिश की ये है कि इसको आप स्टार्टर में भी खा सकते हैं, इसको एज अ मेन कोर्स में भी खा सकते हैं, इसको एज अकम्पनीमेंट एज अ स्नैक्स आइटम भी सर्व कर सकते हैं। सो दैट कैन बी सर्व्ड एट वेरियस प्लेसेस। सो अगर कोई गेस्ट में शाम को कोई गेस्ट आ जाए तो उसको हल्टी में सर्व कर दीजिए, हाउ डज इट मैटर, है ना? स्टार्टर में सर्व कर दीजिए खाने से पहले। सो इट कैन बी सर्व एन नंबर ऑफ प्लेसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैरिनेशन आप वेरिएशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैंने योगर्ट बेस किया है, आपको योगर्ट नहीं चाहिए तो खाली आप ऑयल डाल दीजिए इसके अंदर, ऑयल और गार्लिक से कर दीजिए, थोड़ा सा बेजिल डाल दीजिए अगर आप कॉन्टिनेंटल इटालियन टच देना है इसको। ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये भी रेडी हो गया मेरा। नाउ दोनों देख लीजिए, राइट? सो आई विल थैंक माय कैमरामैन विदुषी, माय डॉटर विदुषी सिंह, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब आई सपोज। अफशा सबीर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई विल थैंक एंड सो ऑल द पीपल, माय स्टूडेंट्स, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग द शो, थैंक यू सो मच वंस अगेन for watching. I would like to thank each and every person, right, who is watching the show. Thank you so much for watching, है ना? जो late join किया तो उनको बता दे कि we are making paneer and chicken skewer separately, एक साथ नहीं separately बना रहे। Meanwhile हमने अपना gas on कर लिया है ना, बहुत जरूरी है। पहले gas को थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए। Nothing should go in the on a cold pan, right?
इट इज नॉट गुड. वाई नॉट गुड? बिकॉज इट विल सील नहीं होगा आपका एंड ऑल द जूसेस विल कम आउट. सो जैसे आप गर्म पैन में ऑयल के साथ डालेंगे डिश को, इट विल सील द जूसेस, राइट? इट विल सील द जूसेस एंड आपका क्रिस्पीनेस आएगा, कलर आएगा डिश में, राइट? जूसेस रिटेन रहेंगी, ऑलराइट? सो विल ऐड, पैन हमारा गर्म हो चुका है, वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल. रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, ऑलिव ऑयल ले लीजिए, आपको जैसे भी ऑयल चाहिए वो ऑयल्स ले लीजिए. सुरेखा जी सेइंग कि आई मिस द बिगनिंग, प्लीज शेयर व्हाट यू हैव यूज्ड फॉर मैरिनेशन. सुरेखा जी, डॉक्टर रेखा मात्रे, माय डियर फ्रेंड, शी हैज सेड, सो वी हैव यूज्ड योगर्ट, लिटिल बिट ऑफ हमने थाई सॉस यूज किया है, चिली सॉस है ना, थाई चिली सॉस यूज किया है, थोड़ा सा गार्लिक यूज किया हमने, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा मिंट, थोड़ा सा और पुदीना, सारा कुछ मिक्स करके, चिली पाउडर, ये सारा मिक्स करके मैरिनेशन रखा है हमने. ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर द कुकिंग. पैन गरम है, ऑयल भी गरम है, सासलिक रेडी है. सो नाउ वी विल पुट हियर, यू कैन हियर द वॉइस. सो इट सेज कि शेफ इज द बिगेस्ट यू नो आर्टिस्ट. क्यों? क्योंकि हम पांचों सेंसेस का यूज करते हैं. हम खाना देख भी सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, राइट? उसकी आवाज भी सुन रहे हैं हम खाना बनाते समय. सो शेफ इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट, सो बी अ शेफ, है ना, गो फॉर इट. आजकल तो शेफ पे इतनी मूवीज भी बन रही है, राइट? वाह. तो नाउ मेरा टोंग बहुत जरूरी है, इसको टर्न करते रहेंगे हम. मीडियम फ्लेम में इसको हम कुक करेंगे, राइट? मीडियम फ्लेम में. और जब तक ये कुक हो रहा है, हमारे पास कुछ वक्त है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक सम वंडरफुल राइस. और हम राइस बनाएंगे आपका इसको हम कुक होने देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और चेक करते रहेंगे, यू नो एज अ शेफ कुकिंग तो फ्लेम कर रहा है, एज अ शेफ व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको इवनली कुक आ रहा है कि नहीं, कलर आ रहा है कि नहीं, जल तो नहीं रहा है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो ये हम इसको करते रहेंगे, ब्यूटीफुल वॉइस एंड द कलर, चिकन इज गेटिंग कुक. इसको टर्न करते रहिए समय समय पर, थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि सब एक साथ चंबल अप नहीं हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि उसको हीट सर्कुलेट नहीं होंगे प्रॉपरली, राइट? लेट इट कुक फॉर अ वाइल एंड नाउ मैंने अनदर पैन एक गर्म कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूंगा. आई विल जस्ट, वी विल मेक फटाफट एक राइस बना लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल, इसको बीच बीच में टर्न करते रहेंगे. ऑलराइट, वाओ, ब्यूटीफुल चार्ड कलर आ रहा है, द कैरमलाइजेशन, बिकॉज शुगर इज प्रेजेंट इन, सो द टेक्निकली व्हाट वी से इट इज गेटिंग कैरमलाइज. टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास थोड़ा सा गार्लिक बचा हुआ था, राइट? सो राइस में हम थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गार्लिक मैंने ऐड किया इसमें. अगर आपको लग रहा है बीच बीच में हमारे पास ऑयल है, ऑयल से बीच में बास्टिंग करते रहिए थोड़ा सा. ये टर्मिनोलॉजी होते हैं बास्टिंग, यू नो व्हेन वी आर पुटिंग सम ऑयल ऑन द टॉप जब कुक हो रहा है, ताकि उसमें इवनली कलर आएगा और वो जलेगा नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, बास्टिंग, बास्ट द फूड. तंदूर में भी आपने देखा होगा, तंदूर वाला बीच बीच में बास्ट करता है, ऑयल से बटर से लगाता है, ताकि उसको जूसी रखेंगे वो चीज. ऑयल विल कवर द फूड, गिव इट नाइस कलर एंड मेक इट जूसी. तो हमारा गार्लिक में गोल्डन कलर आ गया है. वी हैव सम ऑनियन हियर, हमने ऑनियन भी डाल दिया, जस्ट वी विल कुक हियर. ब्यूटीफुल फ्लेवर गार्लिक का, जो जब ये सौते हो जाता है हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आता है उसका, बहुत ही खूबसूरत एक कलर और फ्लेवर. थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा कलर्ड कैप्सिकम मैंने डाला है इसमें,
और ये जो सॉसेस है हमारे पास, यू नो वंडरफुल सॉसेस जो क्रेमिका ने दिया, इसको एज अ कंपनीमेंट आप यूज कर सकते हैं, आप इसको राइस में डाल सकते हैं जैसे मैं भी डालने वाला हूँ, इसको एज अ डिप यूज कर सकते हैं, एज अ मैरिनेट यूज कर सकते हैं, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस। बीच बीच में इसको भूल मत जाना, इसको देखते रहना, अदरवाइज यू नो द इट माइट गेट। एंड फ्लेम का ध्यान रखिए, इट शुड नॉट बी वेरी वेरी लो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम लंपी। अगर बहुत लो होगा तो इट विल बिकम लंपी, अगर बहुत ज्यादा हाई होगा इट विल गेट बर्न। सो द फ्लेम शुड बी मीडियम, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं। इज इट ऑलराइट? ऑलराइट। सो आप सब जो देख रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बनाइए, मेक योर पेरेंट्स प्राउड कि आप बना सकते हैं। आई हैव एडेड सम राइस, कोलेंडर में हमने ड्रेन करके रखा था, थोड़ा ही सा मैंने डाल रहा हूँ, ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ। एंड वी हैव सम व्हाट एल्स कैन आई ऐड, हाँ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड किया। नाउ ये हम ऐड करेंगे थाई सॉस, अगेन आई विल ऐड इनटू द राइस। लुक, थोड़ा सा सॉस, इसकी फ्लेवर में ये चार चांद बोलते हैं ना, लगा देना, चार चांद लगा देंगे, ये ब्यूटिफुल कलर है ना, एंड इट इज गेटिंग ऑलमोस्ट कुक। चिकन को ज्यादा कुक करने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। एंड ये राइस को थोड़ा सा ब्यूटिफुल, लुक एट द कलर, यू नो फर्स्ट यू ईट फ्रॉम योर आईज कहते हैं, तो खाना पहले देखने में अच्छा लगना चाहिए, खाएगा तो आदमी बाद में, राइट? तो फर्स्ट द फूड शुड बी लुकिंग गुड, अगर खाना देखने में अच्छा नहीं रहेगा तो आप खाएंगे कैसे? सो ट्राई टू मेक कलरफुल फूड, देखने में अच्छा रहे, आई अपीलिंग रहे, है ना? नाउ द राइस इज रेडी, देखो ज्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, खाली वेजिटेबल्स एंड क्रेमिका का सॉस डाला है, चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस, एंड हमारा राइस इज रेडी। ऑलराइट, इसको साइड में रख देंगे, फ्लेम अपने कंट्रोल में, शेफ एज अ शेफ यू नीड टू कंट्रोल द फ्लेम। दैट इज रेडी, तो कृष्णा बैनर्जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मीनवाइल हम क्या करेंगे, जब तक ये पक रहा है इसके साइड में हम अपने पनीर भी डाल देते हैं, ये मुझे ही खाना है। सो अगर आप वेजिटेरियन कंसर्न है तो आप उसको सेपरेट पैन में बना लीजिएगा। तो वी आर ईटिंग है ना, वी आर ईटिंग एवरीथिंग वी आर, तो इसको हम कर सकते हैं एक साथ में कर दे रहा हूँ ना। अगर आप वेजिटेरियन घर में है तो इसको अलग अलग आप पैन में बना लीजिए। नाउ आई विल प्रेजेंट द फूड। ऑलराइट, हमारे पास प्लेट रेडी है, एक हमें छोटा सा बाउल चाहिए होगा, हमारे पास बाउल रेडी है, यस हो ये, हमने राइस को इसमें डाला है बाउल में, जस्ट प्रेस इट अ बिट, थोड़ा सा प्रेस करेंगे हल्का सा ऐसे राइस को बाउल में, देख रहे हैं हल्का सा, और फिर ये रहा राइस दिस, और ये जो हमारा पनीर साते बन गया है, सॉरी चिकन स्क्यूअर्स बन गए हैं, चिकन शाश्लिक बन गया है, इसको हम प्रॉपरली इसमें अरेंज कर देंगे लाइक दिस। ईगरली माई फैमिली इज वेटिंग कि कब ये खत्म हो एंड कब वी विल हैव दिस, राइट? सो नाइसली अरेंज लाइक दिस, एंड ये भी मैं डाल देता हूं इसमें जब तक ये बन जाएगा। ऑलराइट, एंड देन वी हैव सम सॉस हियर, नाउ द टाइम इज हियर, नाउ वी हैव सम डिप्स हियर जो क्रेमिका ने दिया, आप देखेंगे थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग हियर, ब्यूटिफुल ड्रेसिंग। नाउ ये सारे जो हमने बनाया है साथ, इसको भी आप सर्व कर सकते हैं इसके साथ, नो प्रॉब्लम।
Nobody can try this. I have tried Thousand Island dressing. Basically, ये जो dressings है, ranch dressing है, Russian dressing इन्होंने दिया है. They are all mayonnaise based dressing. लेकिन ये eggless होते हैं. There is no egg and very very hygienically made. है ना, कोई problem नहीं है. बहुत ही आज के समय में जैसे COVID है, तो we have to take hygienically made food, right? And you can always stress the brand that is Cremica. And so we will add little bit of this. Like this. थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ऐसे. Alright. Meanwhile इसको भी टर्न करेंगे, नहीं तो भाई साहब पनीर बुरा मान जाएंगे and it will get burn. Beautiful. इसमें भी हमें थोड़ा सा ब्रश करना पड़ेगा ऑयल. Like this. Wow, what a colorful. And ये बच्चों को बड़ा पसंद आता है, खासकर इनके जो सॉस है. मैंने टेस्ट कराया है अपने डॉटर्स को, अपने सन को, है ना. सो इनके जो सॉस है ये बच्चों को बड़े पसंद आते हैं. लिटिल बिट और भी हमारे पास सॉस है कुछ, जैसे कि थाउजेंड टैलेंट रैंच भी. अगर आपको कुछ और कलर देना है देन ट्राई फॉर दिस ऑल्सो. बहुत टेस्टी सॉस है, हल्का सा मीठापन भी है. इन सॉसेस में थोड़ा मीठापन है, थोड़ा सा गार्लिक का फ्लेवर है, थोड़ा सा मस्टर्ड का फ्लेवर है. एंड दिस ऑल सॉसेस आर ब्यूटिफुल. सो एंड खासकर बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसके, और बड़े भी पसंद करेंगे. सो जस्ट गो एंड हैव सम क्रेमिका का सॉस. ऑलराइट, सी ये हमारा डिश रेडी है, पनीर भी रेडी हो रहा है. सो थोड़ा सा मैं अपने फ्लेम हाई कर दिया है. ऑलराइट, ताकि इसको भी हम कुक करके सर्व कर सके. ऑयल भी बास्टिंग करते रहे, कोई भी डिश बनाए उसको बास्टिंग जरूर करें टू रिटेन द फ्लेवर एंड द कलर ऑफ द डिश. ये मैंने एक और प्लेट रख रखा है फॉर हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द फूड. इसमें भी हमारे पास थोड़ा सा राइस है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड सम मोर राइस. नॉट वेस्टिंग, वेस्टेज ऑफ फूड इज अ नेशनल क्राइम. वी शुड नॉट वेस्ट एनी फूड, राइट? एवरीथिंग शुड बी कंज्यूम्ड. खाना वेस्ट नहीं करिए, जितना जरूरत है उतना खाइए. एंड ये रेडी है हमारे पास. So what we can do, so anything that is ready to be served has to be handled with the gloves. या उसको आप हैंडल करेंगे एक टोंग से या फिर एक स्टरलाइज्ड आइटम से. कोई भी रेडी टू ईट फूड हैज टू बी विथ द ग्लव्स, हाथ से नहीं छूना है. मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल आर यूजिंग देयर हैंड्स, बेयर हैंड्स, दैट इज नॉट गुड. सो जब भी आप घर में खाना बनाएं, जैसे सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, जो भी हाथ से बनाना है जिसको सर्व, जो रेडी टू ईट है, उसको आप लाइक दिस एंड वन मोर हियर लाइक दिस. ऑलराइट, इसको भी रख दूं क्या साइड में? ऑलराइट, सो एंड दिस वन मोर कैप्सिकम इज देयर, दिस आल्सो आई कैन, और एल्स मे बी दिस कैन बी सर्व लेटर ऑन. लेट इट बी टू ओनली ऑन द प्लेट. एंड अगेन वी कैन ऐड सम चिली सॉस, यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा. एंड सम रैंच ड्रेसिंग हियर एंड मे बी सम थाउजेंड आइलैंड गोज विल गो वेरी वेल विद दिस. वाओ, ब्यूटीफुल. So, that's how we have made it, and we are through with both the plates. You can see this is a for non-vegetarian chicken skewers or chicken, you can call it brochettes or chicken chashlik, and this is again for vegetarian. We have used cottage cheese, paneer humne use kiya hai. So with some rice, and of course we have used the Cremica products. बनाने के लिए हमने थाई चिली सॉस का यूज किया है, फिर हमने ड्रेसिंग में थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग यूज किया है. Cremica है ना, ट्रस्टेड ब्रांड, गो फॉर इट. ऑलराइट, एंड अबव ऑल आई विल लाइक टू थैंक
कनिका को थैंक करना चाहूंगा बिफोर वी एंड सो माय ग्रेटिट्यूड बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ राइट यू शुड शो ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग दैट यू हैव इन दिस टफ टाइम्स वी आर एबल टू हैव फूड राइट दैट इज सो वी नीड टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू फूड to Cremica who has given us wonderful sauces and the ready to eat products the convenient products mein aayenge convenient food mein aayenge ab uske baad I will like to thank ICF culinary forum ko thank karna chahunga jinhone ye platform diya hum sab chefs ko so that we can make dishes hum aapke sath share kar sake hum sath mein milke hai na bana sake seekh sake ek dusre se aapke question se main bhi seekhta hu aur main kuch bolunga to aap seekhenge so we have to learn from each other right and dusra I will like to thank Galgotia's university jahan pe I am a professor I am working there as a chef right so all my students above all I will like to thank all the darshakgan jo dekh rahe hain viewers students chefs sabko mera bahut bahut dhanyawad koi bhi query ho you can post and I will try to answer all the queries right and ye thoda sa pineapple ka ये भी है इसको भी मैं लगा देता हूँ गार्निश में या प्रेजेंटेशन में व्हाई टू वेस्ट एनीथिंग एंड वी कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ हियर पेपर्स थोड़ा कैप्सिकम लगा दिया ऑलराइट सो दैट्स इट थैंक यू सो मच नमस्कार चाओ फॉर नाउ ओके थैंक यू